So how is life for Muslims here? I feel like it's generally much more. Street food market होगी, locals होंगे, हाजी लोग होंगे. But are you from India? Huh? India? Yeah. I'm from Pakistan. Oh, Pakistan. But everybody is like accepting towards each other, right? Here. Assalamualaikum. मैं हूँ एमी और मैं हूँ दानी और ये है लिटिल इनाया और हम लोग इस वक्त मौजूद हैं चाइना टाउन में और अभी हमें जो सबसे पहले काम करना है वो ये कि हमें यहाँ से ट्रेन लेके जाना है मुस्लिम नेबरहुड में। तो जिन लोगों को नहीं पता, सिंगापुर में तकरीबन 20 से 25% मुस्लिम पॉपुलेशन भी आबाद है और काफ़ी पुरानी उनकी एंसेस्टर से, बाप दादा से यहाँ पे उनकी नस्लें जो हैं पली बड़ी हैं, यहीं पर पैदा हुई हैं। तो आज की वीडियो का प्लान ये है कि हम जो मुस्लिम नेबरहुड्स हैं वो विज़िट करें, जो यहाँ की फेमस मसाजिद हैं वो विज़िट करें और उसके साथ साथ लाइफ ऑफ मुस्लिम्स इन सिंगापुर देखने और जानने की कोशिश करें एमी और तानी के स्टाइल में। तो सबसे पहले हम रुख करेंगे हाजी लेन का, उसके साथ वहाँ पे बाली लेन भी बनी हुई है, वहाँ पे अरब स्ट्रीट भी है और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि वहाँ पे ना सिर्फ मुसलमान आबाद हैं बल्कि उसके साथ साथ वहाँ पे बड़ी मज़ेदार किस्म की हॉकर स्ट्रीट भी लगती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं चाइना टाउन के MRT स्टेशन नीचे अंडरग्राउंड और फिर वहाँ से हम लोग ट्रेन लेंगे। टिकट अभी खरीदा नहीं है, टिकट हमें खरीदना है। So after doing Muslims of Thailand and Muslims of Cambodia series, आप सब ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ अगले जो भी मुल्क विजिट करें उन सब में यही करें। तो सिंगापुर में बिकॉज एक माइनॉरिटी है मुसलमान, इट्स गोना बी वेरी वेरी एक्साइटिंग टू डू इट ओवर हियर। हम दोनों को भी बहुत अच्छा लगा सारे लोगों से मिलके। सो लेट्स फर्स्ट कैच अ ट्रेन और फिर जाएंगे हम मुसलमानों की नेबरहुड में। हम टिकट ऑफिस पे आ गए हैं टू गेट अ टिकट। टिकटिंग बूथ्स भी थे, यू कैन ऑटोमेटिकली गेट योर टिकट, लेकिन ये ज़्यादा कन्वीनियंट होगा बिकॉज हमें एक्चुअली एग्जैक्टली नहीं पता कि किस स्टॉप पर उतरना है फॉर हाजी लेन। दिस इज हर पासपोर्ट। सो बेसिकली आई एम गेटिंग अ लिंक कार्ड। तो यहाँ टिकट स्टेशन से हमने 3 कार्ड्स ले लिए हैं, इनाया का सेपरेट था, हमारा सेपरेट था। उन्होंने हमें ये मैप दे दिया, तो उन्होंने हमें ये गाइड किया है कि हाजी लेन जाने के लिए हमें जलान बेसार जाना पड़ेगा और कल हमें एक बहुत स्वीट सी बाजी मिली थी इन चाइना टाउन और उन्होंने भी हमें यही एडवाइस किया था कि MRT पकड़ के जलान बेसार जाएँ। दैट्स जलान बेसार। अच्छा, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो हमें बेसिकली डाउनटाउन लाइन पकड़नी है जो कि यहाँ की ब्लू लाइन है और सिर्फ 3 स्टॉप्स के बाद आ जाना चाहिए जलान बेसार। होपफुली हम सही काम करेंगे और पहुंच जाएंगे इन वन पीस। सो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स बिकॉज ट्रेन स्टेशन नीचे है और 5 मिनट में ट्रेन आ रही है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक जल्दी से बात बता दूँ कि सिंगापुर में एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट करने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे MRT जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत रिलायबल है और बहुत क्विक भी है और चीप भी है और आराम से बगैर किसी ट्रैफिक में फंसे एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता है। तो यहाँ पर टूरिस्ट डे पासेस मिल जाते हैं, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए, डिपेंडिंग ऑन आप यहाँ पर कितने टाइम के लिए आए हैं। तो जो टिकट ऑफिस पे लड़की काम कर रही थी उसने हमें ये ऑप्शन दिया कि ज़्यादा बेहतर है तुम लोग जो है वो $10 वाला पास खरीदो और उसके अंदर $5 जो है वो ऑलरेडी टॉप होता है, बैलेंस होता है और वो 2 राइड्स के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद उसको टॉपअप किया जा सकता है। तो हमने वो लिया। Yes. From Pakistan. Yes. हमारा स्टॉप आ गया है जलान बेसार। I اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ومن نعمته ومن فضله ومن الحسنة لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إياك نعبد وإياك نستعين. अच्छा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे सुल्तान मॉस्क में मगरिब की नमाज़ अदा कर ली है। रैपिड ट्रेन लेके हम लोग पहुँच गए थे यहाँ टाइम पे और बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है यहाँ पे सिंगापुर में। हमने तसव्वुर भी नहीं किया था कि यहाँ पे इतनी मस्जिदें बनी होंगी और हमने ये भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे इतने सारे मुसलमान जो हैं वो आबाद होंगे। और ये सुल्तान मॉस्क के अतराफ़ में जितना भी एरिया है तकरीबन 80 से 90% जो है मुसलमान आबाद हैं। बेसिकली ईयर 1824 में सुल्तान मॉस्क यहाँ के जो पहले सुल्तान थे सुल्तान हुसैन शाह उनके लिए तामीर की गई थी और जिसके ऑर्डर पर तामीर किया गया था का नाम था सर स्टैमफर्ड रेफल्स। तो कहा यह जाता है लगभग 3000 सिंगापुरियन डॉलर मालियत आई थी। और फिर ये भी कहा जाता है कि तकरीबन 100 साल का अरसा गुजरने के बाद जो है इस मस्जिद की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, पोसीदा हालत में थी, तो इस मस्जिद को गिरा के नए सिरे से जो है तामीर किया गया था। और फिर उसमें यहाँ पर जो मुसलमान बसते हैं उनके डोनेशन और चैरिटी और फिर यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने काफ़ी इसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया था। अच्छा तो सुल्तान मॉस्क जो है ये मस्कत स्ट्रीट के ऊपर बनी हुई है और यहाँ करीब में इर्द गिर्द में जो है वो ज़्यादातर मुसलमान आबाद हैं और काफ़ी पुराने उनके घर हैं, उनके एंसेस्ट्रल होम्स भी यहीं पे बने हुए हैं और काफ़ी मुसलमान जो हैं उनके बाप दादा यहीं पे आके बस गए थे, यहीं पे आके रहना शुरू हो गए थे, तो इसलिए उनके घर भी यहीं हैं, उनके कारोबार भी यहीं हैं। तो यहाँ मेरे पीछे सिंगापुर की फेमस सुल्तान मॉस्क मौजूद है और इसका जो आर्किटेक्चर है वो वाकई में देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो मस्जिद की काफ़ी तारीखी और सकाफ़ती अहमियत है, इस वजह से इसको नेशनल मोन्यूमेंट में तब्दील कर दिया गया था। इसलिए दूर दूर से लोग जो हैं वो ना सिर्फ यहाँ पे मुसलमान जो है नमाज़ अदा करने आते हैं बल्कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो भी इसको देखने आते हैं। तो मस्जिद के इर्द गिर्द हर गली में रौनक है। इस वक्त हम खड़े हुए हैं बागदाद स्ट्रीट में और यहाँ पे टर्किश रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इवन इराकी रेस्टोरेंट्स, लेबनीज़ रेस्टोरेंट्स, हर किस्म का खाना हमें नज़र आ रहा है और फुली पैक्ड हैं ये रेस्टोरेंट्स। एंड आज सैटरडे भी है सो ऑफ कोर्स रौनक तो होगी। एंड आई जस्ट लव कि टर्किश फूड प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, टर्किश कारपेट्स, टर्किश लैम्प्स, ये सारी चीज़ें मुझे रिमाइंड करी हैं जो हमने टर्की में वक्त गुजारा था। मेरे सामने जो है वो अरब स्ट्रीट है। अरब स्ट्रीट इज़ नॉट अ वॉकिंग स्ट्रीट, उसमें ट्रैफिक है तो इसलिए उधर इतनी रौनक नहीं है जितनी इन गलियों में है। सो व्हाट वी आर गोना डू, वी आर गोना वॉक थ्रू अरब स्ट्रीट और हम वॉक करके जाएंगे हाजी लेन। एंड हाजी लेन यहाँ से तकरीबन 4 मिनट की वॉक है। आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर हाजी लेन बिकॉज आई हैव हर्ड वहाँ पे स्ट्रीट फूड बहुत अच्छा मिलता है। सो वी आर गोना गो एंड एक्सप्लोर दैट नाउ। So, अब हम चलते चलते हाजी लेन आ गए हैं। इट वॉज़ अ वेरी क्विक 4 मिनट वॉक। यहाँ आते ही आई मस्ट से कि डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं। एंड बिफोर कमिंग हियर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रीट फूड मार्केट होगी, लोकल्स होंगे, हाजी लोग होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बार्स हैं, मतलब मेरे राइट और लेफ़्ट पे बार्स बने हुए हैं। उसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ पिज्जा प्लेसेस, 7-Elevens वहीं अंदर टक्के हुए हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने नोटिस की है यहाँ पे आके, ज़्यादातर मुझे टूरिस्ट नज़र आ रहे हैं, मुसलमान भी हैं लेकिन ज़्यादातर जो है वो टूरिस्ट हैं जो यहाँ पर सिंगापुर मेरे ख्याल से विज़िट करने आए हुए हैं और एक्सप्लोर कर रहे हैं। काफ़ी लंबे स्ट्रेच के ऊपर ये लेन जो है फैली हुई, हम लोग बिल्कुल पीछे थे, अभी वहाँ से हमने स्टार्ट किया और अब बिल्कुल आखिर तक जाएंगे, देखते हैं कि वहाँ और क्या है। मजीद चाय की तलब हो रही है। अब जाहिर है मुसलमानों के एरिया में तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बगैर चाय भी हम यहाँ से जाएं। अच्छा चाय पीने का दिल तो कर ही रहा है लेकिन उसके अलावा आई रियली वांट टू ट्राई समथिंग ट्रेडिशनली सिंगापोरियन और हलाल ऑप्शन बहुत हैं, मतलब जहाँ पे भी हम जा रहे हैं पीपल आर कॉलिंग आउट के हलाल, विच इज़ गुड। One of the salted drinks looks so good. I salted caramel macchiato. अच्छा, तो हम लोग यहाँ अभी हाजी लेन पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमें बड़ा ज़ोरदार किस्म का एक कैफ़े नज़र आया जिसका नाम है रूमी और द पोएट्स कैफ़े इसका नाम है। तो यहाँ से हमने मच नीडेड कॉफ़ी ली है क्योंकि ज़ाहिर शाम के निकले हुए बहुत देर से हम लोग जो है हाजी लेन और ये सारी जगहें एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इसलिए ज़रूरत थी इसकी। चाय जो है वो बाद में लेंगे, पहले खाना खाएँगे। तो थोड़ा सा ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पर हमें कोई ऑथेंटिक सिंगापुरियन या हलाल चाइनीज़ की कोई जगह मिल जाए, फिर वहाँ से जाके हम कुछ हलाल खाते हैं और फिर चाय वाय पीते हैं। इन गलियों में बहुत ईजिली कोई भी आई थिंक घंटे लगा सकता है। एंड इवन जो पीछे बुटीक स्टोर्स हैं, मतलब एक के बाद एक दिन कर रहा है सिर्फ देखूँ मैं कपड़े, चीज़ें देखूँ, सूवेनियर्स। आई एम गोना ट्राई दिस। ओह वाओ, दैट्स डिलीशियस, वेरी लाइट। वो कोई स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं है इसमें। यहाँ पे ड्रिंक्स और कॉफ़ीज़ और ऐसी आइस ड्रिंक्स काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। हमने इनाया के लिए एक आइस चॉकलेट ली है और वो तकरीबन $7 की थी। तो ऑस्ट्रेलिया या ऐसे मुल्कों में बहुत चीपर मिल जाती है, बट ऑफ कोर्स वो इन सिंगापुर ये $5 की थी। सो स्टिल ओके एंड इट्स प्रीटी गुड। Is it okay if I film? I think it should be fine, yeah. Are these from Singapore? They're from Indonesia. Is there anything like traditionally like the Singapore people like to wear, like the Muslim Singaporean people like to wear? Like hijabis? Yeah. Not really, to be honest. Okay, just like the same? Yeah. Oh, okay, okay, okay. Are you from Singapore? Yes. Oh, okay. It's our first time in Singapore. We just... This is our first time in this street. Oh, yeah. So I was like, wow, hijabi store. Is there much halal food options? Over here? Yeah. In this lane? Yeah, around this area. Yeah, this area generally has a lot of halal food. A lot of halal. Oh, okay, okay, okay. Because we entered from here and there were all these bars. Yeah. So I was like, oh, okay. The other half is like all the bars, but over here it's fine. Oh, okay, okay. I don't know, I thought I was like a religious word, like Haji Lane. Yeah. Because this lane is relatively quite popular in tourists, so I think we put that for like the other tourists there. Yeah, of course, of course. These are all the telephones, the abayas are the that side. Oh, okay, these are like for praying, prayer sets, right? Yeah. Are they called jipa? It's called teleco. What? Teleco. Teleco? तो इधर ही हाजी लेन में हमें एक शॉप मिली है, इट्स कॉल्ड दीन दुनिया। नाम तो बहुत अच्छा है, दीन और दुनिया। यहाँ पे प्रेयर मैट्स, प्रेयर सेट्स लाइक तेलुगु, दे कॉल तेलुगु इन मलेशिया, सॉरी आई डोंट नो। तो यहाँ पे ये सेट लगे हैं, आई थिंक दे कम विद प्रेयर मैट्स। या तो इस बहुत ही लाइक लक्स किस्म के सिल्क लग रहे हैं। तो इट्स वेरी इजी, यू जस्ट पुट दिस ऑन योर हेड, पूरा कवर्ड होता है, कुछ और पहनने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज टोज तक कवर्ड होता है और ये इतना प्यारे लग रहे हैं। सो हाउ इज लाइफ फॉर मुस्लिम्स हियर? I feel like it's generally much easier compared to other countries because we do have a lot of accessibility in terms of like mosques are built quite frequently. There's a lot of mosques around here. Okay. And also in terms of halal food, it really depends on like where you're at. Okay. So like example, when you're here, there's a lot of halal food around, but you can't really say the same for like other places. You can't? Not totally cannot, but like it would be nice to have more, that kind of thing. But it's generally quite easy to find halal food. Okay, okay. So, but everybody is like accepting towards each other, right? Here? For hijabis. Like if there's a Muslim and non-Muslim, they're pretty well accepted. Oh, yeah. Yes. Yeah. That's nice. That's nice to see. Cool. Thank you. Thank you. Nice to meet you. What was your name? My name is Zakira. Akira. Zakira. Zakira. Yeah. My ear shut. Nice to meet you. Nice to meet you. हलाल खाने का कोई मसला नहीं है इधर सिंगापुर में। We've realized that today. और ये जो मेरे पीछे रेस्टोरेंट है, दिस इज़ कॉल्ड सिंगापुर ज़म ज़म रेस्टोरेंट। ये सुल्तान मॉस्क के बिल्कुल सामने बना हुआ है और हाईली रेटेड है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। सो वी थॉट वी शुड ट्राई सम फूड फ्रॉम हियर। तो अंदर जाएंगे, लेट्स सी व्हाट्स ऑन द मेन्यू। What is that? Murtaba. Beef or chicken? Yeah, mutton. This one mutton. Oh, is it good? Mutton, beef, chicken. Are you from India? Huh? India? Yeah. I'm from Pakistan. Oh, Pakistan. Onion. This one beef. Beef. Okay, okay. After one leg. Ah, this one $10. $10? Ah. Okay. Very nice. How old is this shop? 100? Ah. Oh, 1908. Oh, 1908. How old are you? How many years have you been in Singapore? Singapore. 20 years. 20 years. Oh, okay. Yeah, Malaysian. Malaysian? Are you Muslim? Yeah, Muslim. Abdul Rafiq. Abdul Rafiq. It's okay as Muslim. You must be second generation, right? Fourth. Wow. And so you guys are Muslim? Because it's all halal. So how is life for Muslims here? In Singapore. Is it easy for Muslims or it's okay? Yeah. It's our first time in Singapore. We will try it. So there is no problems for Muslims in Singapore? No. So everyone lives in peace and harmony, right? Yes, that's good. Good to know. Nice to meet you. That's okay. अच्छा तो हम लोग यहाँ पे खाने के लिए बैठ गए हैं. जिस जगह हम लोग खाने के लिए आए हैं, इस जगह का नाम है सिंगापुर जमजम रेस्टोरेंट और बहुत हाईली रेटेड है. लोकल्स ने हमें यही सजेस्ट किया था कि अगर आपको लोकल ऑथेंटिक सिंगापुरियन हलाल खाना खाना है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पीछे सुल्तान मस्जिद है और यहीं से हम लोग अभी अरब स्ट्रीट और बगदाद स्ट्रीट ये पूरा जो मस्जिद नेबरहुड का एरिया बना है ये एक्सप्लोर करते करते यहाँ पहुँच रहे हैं. तो यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल ऑथेंटिक सिंगापुरियन खाना मंगवाया है. हमने यहाँ पे बिरयानी दी है, लैम बिरयानी मैंने मंगवाई है और इंतज़ार ने यहाँ पर चिकन बिरयानी दी है. उसके साथ यहाँ पर हमें ग्रेवी भी मिली है, ये हमने नहीं मंगवाई थी लेकिन ये शायद साथ आती है बिरयानी के. और इनाया के लिए यहाँ पे मीगराई मंगवाए हैं, वो अभी नहीं आए हैं. अच्छा यहाँ बिरयानी के साथ इन्होंने अचार भी दिया है, भाई ने पिकल है और लैम जो है वो नहायत नरम और बिल्कुल गली हुई लग रही है. और चावल जो है वो अच्छी बात यह है कि ड्राई नहीं लग रहे, नीचे जो है वो पूरा मसाला है. जैसे हमें बिरयानी पसंद है खाना वैसी बिरयानी है, बिल्कुल वो ब्लैंड या बिल्कुल हल्की बिरयानी लग रही बगैर मसाले के. मैंने भाई से कहा भी था कि स्पाइसी ला के दीजिएगा तो उन्होंने फुल स्पाइसी बनवाई है हमारे लिए, डबल मसाले वाली. तो अब इसको ट्राई करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तो मैं यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा लैम लूँगा. ये बिल्कुल अलग हो गई बोटी, एक चम्मच मैंने ऐसे मारा और बोटी बिल्कुल अलग हो गई है. इसके साथ थोड़े से चावल लेंगे. लाजवाब बिरयानी है, कमाल की बिरयानी है. मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोग सिंगापुर में बैठ के पाकिस्तानी जायके वाली बिरयानी, मुझे लग रहा है कोई पाकिस्तानी भाई कराची के हैं वो बना रहे हैं, मुझे नहीं पता किसने बनाई है लेकिन बहुत क्लास की बिरयानी है. वाह. चावल जो है वो नहायत एरोमेटिक है, बहुत मज़े का एक वो जो टिपिकल बिरयानी का फ्लेवर होता है वो चावलों से आ रहा है. और मसाला जो है वो नहायत मज़े का, जैसे बिरयानी मसाला. थैंक यू सो मच. थैंक यू ब्रदर. और यहाँ पे ये इनायत के लीग रिंग भी आ गए हैं. अगर वाकई में कोई भी आ रहा है सिंगापुर तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगा कि सिंगापुर जमजम आके यहाँ की बिरयानी मस्ट ट्राई करें. ये मैंने अभी मटन की है, चिकन अभी हमने नहीं की है. चिकन हो सकता है इससे भी ज़्यादा अच्छी हो लेकिन मटन जो है ज़बरदस्त है. अभी जमजम में हम खाना खा रहे थे एंड वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन. और ये एक स्वीट से अंकल काम कर रहे थे इनसाइड, जो मुर्तबक बना रहे थे यहाँ का ट्रेडिशनल फूड. तो ओनर के बेटे ने हमसे बात की, ही वॉज अ 4th जनरेशन और उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ने ये रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था राइट इन फ्रॉम द मॉस्क. और बहुत अच्छा है कि मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ते हैं, दे कम आउटसाइड और वो बिरयानी खाते हैं। इतना बड़ा सा ट्रेडिशन है ये, और वो इतना फ्रेंडली था। एंड ही वाज टेलिंग अस कि बिकॉज वो यहाँ बॉर्न है, उसकी मतलब परदादे यहाँ रहते थे। लाइफ एज मुस्लिम इतना मुश्किल नहीं है उनके लिए, इट्स वेरी ईजी फॉर दैम। और इवन मतलब हलाल फूड अवेलेबल है, मस्जिदें हैं, एंड ओवरऑल उनको फील नहीं होता कि कोई डिफरेंस है। हर बंदा हारमनी और पीस से रह रहे। इट वाज रियली नाइस टू नो दैट। दूसरी क्रेजी बात ये थी कि ये दुकान 100 साल पुरानी थी। 1908 में ये इस्टेब्लिश हुई थी, तो मतलब दिस इज़ वे बिफोर यू नो सिंगापुर एंड ऑल ऑफ दिस इवन स्टार्टेड। बहुत अच्छा लगा यहाँ खा के, एंड लोकल से बात करके बहुत अच्छा लगा। The Haji Lane, ये बहुत cool सा street art है। यहाँ पे glow in the dark का look